वेडनेसडे नाम से एक सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होती है। देखो यार, इस सीरीज को देखना मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि एक इसका जो सॉन्ग है या फिर इसका एक डांस है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर। तो इसको बार बार देख कर मुझे लगा कि यार ये कौन सी वाली सीरीज है जो इतना ज़्यादा इसका गाना फेमस हो रहा है या वायरल हो रहा है। फिर इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि अभी हाल ही में एक सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है जिसका नाम है वेडनेसडे और उसमें 9 एपिसोड है। अब जब इस सीरीज को देखने से पहले मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर वाकई में अच्छा लगा था, तो लगा कि यार इस सीरीज को देखा जाए। खैर, तो इस सीरीज की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यार, एक लड़की है जिसका नाम है वेडनेसडे। अब नाम वेडनेसडे क्यों पड़ा जब आप ये सीरीज देखोगे तभी पता चल जाएगा। उसके पास कुछ पावर है। अब पावर है वो या फिर कहें कि उसको झटके आते हैं क्योंकि देखो उसको पास्ट की, भविष्य की, आने वाली कुछ झलकियां उसको दिखाई देती हैं। और वेडनेसडे का जो करेक्टर है यार, सच में कहूं आपको इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद आने वाला करेक्टर है। मतलब जिस तरीके का उसका बिहेवियर है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देखिए जिस तरीके की सीरीज बनाई गई है, वाइब्रेंट एकदम कलर, बहुत अच्छे से इतना वाइब्रेंट कलर उसके अंदर रखा गया है, इमोशंस हैं उसके अंदर। लेकिन जैसे वेडनेसडे को अलग ही रख दिया गया है, जैसे उसका बिहेवियर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हर जो भी उसके मन में जो बात होगी वो सबसे मतलब कि सबके सामने तुरंत बोल देगी। मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया किसी को बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके इमोशन में बात करूँ तो एकदम निलबटे सन्नाटा है। और ऊपर से जब कलर जैसे वाइब्रेंट है, उसमें जैसे वेडनेसडे को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है, वो एक बहुत आई कैची चीज है। मतलब आप देखोगे सबसे ज्यादा करेक्टर आपको वही ज्यादा पसंद आने वाला है, यानी कि वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे किसी भी स्कूल में फिट नहीं होती है और उसको एक अलग स्कूल या नेवर मोर नाम की एक अकेडमी है उसमें भेजा जाता है, जहां पर उसी की तरीके के बच्चे या फिर उसी की जैसी पावर है वहां पर वो बच्चे उसको मिलते हैं। अब जब ही नेवर मोर अकेडमी में जाती है तो वहां पर उसको कुछ पास्ट के बारे में पता चलता है, उसके पास्ट के बारे में पता चलता है, उसके माँ बाप के पास्ट के बारे में चलता है। तो वहाँ कुछ और भी राज होते हैं जिनका बारे में जो वेडनेसडे पता लगाती है, और कैसे पता लगाती है और ये सब चीज़ें कैसे उसे अफेक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। अब इस सीरीज में नॉर्मल लोग भी हैं और ये जो है जादू टोना टोटका करने वाले लोग भी आपको दिखेंगे। नॉर्मल लोगों को शायद ये नॉर्मी नॉर्मी कह रहे थे, और जिनके पास पावर है उनको आउटकास्ट ऐसे कुछ नाम से पुकारा गया है इस सीरीज में। जब इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब उससे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो गया था। अब जिस तरीके के डायलॉग हैं खासकर वेडनेसडे के, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इसके अलावा सीरीज के अंदर एक्साइटमेंट लेवल भी बना रहता है, सस्पेंस भी बना रहता है। एक जो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है कि यार आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, यानी जो ये खराब चीज़ें कर रहा है, जो भी होता है ना कि सीरीज में एकदम स्मूथ तो चलेगी, कोई तो ऐसा होगा जो विलन होगा, और ये विलन कौन है, ये सब चीज़ें आपको आखिर तक बांध के रखने वाली हैं। वैसे आप पता लगा लोगे कि सारी चीज़ें जो गलत कर रहा है या फिर ये परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इन सब चीजों के पीछे कौन है, आप जरा दिमाग लगाओगे तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो इस तरीके की सिचुएशन में वही इंसान होता है जिसपे सबसे कम ज्यादा मतलब कम फोकस किया होता है। अब देखो मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा वरना मेरे ऊपर फिर इल्जाम लग जाएगा कि यार तुम स्पॉइलर दे रहे हो। वैसे मैंने पता लगा लिया था, क्योंकि हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में लगा लिया था, कुछ एक एपिसोड बीतने के बाद पता लगा लिया था कि हाँ यार कहीं ना कहीं मेरा शक जो है वो इस इंसान के ऊपर जा रहा है और यही इसके पीछे हो सकता है, और वो निकलता भी है। देखो अब एक और करेक्टर इस सीरीज में अगर जिसके बारे में अगर मैं बात ना करूँगा तो मुझे लगेगा नाइंसाफी हो गई है। उस करेक्टर का नाम है थिंग। वैसे वो एक हाथ है, मतलब बहुत अच्छा हाथ है, उसके एक्सप्रेशन बहुत, मतलब हाथ के एक्सप्रेशन आप देखोगे तो समझ जाओगे। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके का उसका रोल प्ले किया गया वो वाकई में ज़बरदस्त है। इसके अलावा सीरीज़ के अंदर एक दोस्ती का एंगल भी डाला गया है, प्यार वाला एंगल भी डाला गया है। मतलब इसमें कुल मिलाकर हर तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें डाली गई हैं जो आपका इंटरेस्ट लेवल अच्छा बनाए रखेंगे, एक्साइटमेंट बना रहेगा, सस्पेंस भी बना रहेगा। सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाली हैं। आप जो अपने जो एक्सेप्ट नहीं किया था वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो जब मैंने इस सीरीज़ का ट्रेलर देखा था मैंने इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इस सीरीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत उम्मीदों से भी ज्यादा इस सीरीज ने एंजॉय मतलब मैंने किया इसको देखा था। अब देखो शायद ही किसी को ये सीरीज शायद थोड़ी बहुत पसंद ना आ सकती हो, वो भी जब मैं कह सकता हूं कि जब ये सीरीज के हाफ एपिसोड बीत जाएंगे शायद तब इनको अजीब लग सकता हो। वैसे इस सीरीज में हॉरर के साथ जो कॉमेडी रखी गई है ना वो बहुत बढ़िया है। मैं फिर से कहता हूं देखो यार वेडनेसडे का जिस तरीके का बिहेवियर या जिस तरीके के डायलॉग है, जिस तरीके की हाजिर जवाबी, वो वाकई में जबरदस्त है। वो मतलब किसी की परवाह नहीं करती, किसी
को बुरा लग जाएगा और कुछ सोच समझ के बोलूं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस सामने वाले को हर्ट ही करना चाहती है। वैसे इस सीरीज का सेकंड सीजन अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब देखते हैं वो सेकंड सीजन कब आता है और उसमें क्या कहानी होने वाली है। फर्स्ट सीजन तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, हिंदी डब भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरी तरफ से तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। अगर आप लोगों ने देखी है सीरीज तो प्लीज कॉमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।